हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रता आप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या कक्षा 9 का प्रश्नावली 9 समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का वन शॉट। इसका मतलब ये कि चैप्टर पूरे को अपन पढ़ेंगे एक शॉट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे, ये देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली में अपने पास में क्या क्या रहने वाला है। तो तीन रहेगी, 9.1, 9.2, 9.3। 9.1 में आप क्या पढ़ने वाले हो, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो आकृतियाँ होती हैं उनको कैसे पहचानोगे वो आप देखोगे। प्रश्नावली 9.2 में ये होगा अपने पास में, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनको अपन पहचानेंगे, उनके बारे में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 9.3 में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन प्रश्नावली 9.1 जो है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर एक अपने पास में क्या लिखा है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है, वो हमें पता लगाना रहेगा। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं जो है वो भी अपन को लिखनी रहेगी। तो अगर आप सबसे पहले अपने पास में इस वाले फिगर के अंदर देखते हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमें एक दिख रही है आकृति ए बी सी डी और एक हमें ये जो है त्रिभुज दिख रहा है डी पी सी, ठीक है। तो ये दो आकृतियां दिख रही है और इससे पहले वाला अपन यहाँ पे देखें तो ये अपने पास में ये है, ठीक है, ये रहा ए बी सी और ए डी। तो आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों आकृतियाँ जो है अपने पास में एक ही आधार डी सी के ऊपर स्थित है और तो किसी पे है नहीं, दोनों एक ही आधार डी सी पे स्थित है और साथ ही अपने पास में एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं यहाँ पे देखो, एक तो हो जाएगा ए बी और एक हो जाएगा अपने पास में सी डी। तो यहाँ पे आप बोलोगे उभयनिष्ठ आधार डी सी है तथा किनके बीच में समांतर है, ये ए बी तथा सी डी जो है समांतर रेखाएं रहेंगी जो कि कॉमन है दोनों के लिए। नेक्स्ट अपन यहाँ पे आते हैं, इसका दूसरा वाला हिस्सा जो है अपन जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अपने पास में एक तो ये आकृति है एम एन आर एस, ठीक है, और दूसरी आकृति जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगी, ये वाली है जो कि है आपके पास में पी क्यू आर और एस। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि दोनों का आधार तो अपने पास में एस आर सेम है, उसमें तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि उभयनिष्ठ आधार तो है एस आर लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है, क्योंकि पी क्यू आर एस जो है वो आर एस और पी क्यू के बीच में है लेकिन एम एन आर एस जो है आर एस और एम एन के बीच में है। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है लेकिन उभयनिष्ठ आधार जो हो जाएगा एस आर। यहाँ पे देखो अपने पास में ये वाले फिगर में, इस वाले में देखा जाए तो आपके पास में तो एक ये दिख रहा है त्रिभुज टी क्यू आर, ये तो हो जाएगा पहला, और दूसरा हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है जो कि है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अपने पास में इन दोनों के लिए जो है क्यू आर जो है उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा। आप बोलोगे सर आधार हमेशा अपने पास में नीचे की तरफ होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये देखो ना, अगर इस फिगर को अपन ऐसे कर लेंगे तो वो क्यू आर नीचे आ जाएगा तब आधार बोलोगे, इससे अच्छा पहले ही आप क्या बोलो कि क्यू आर जो है उभयनिष्ठ आधार है और ये दोनों जो है अपने पास में एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कौन कौन, पी एस समांतर है किसके, क्यू आर के, ये बात अपने पास में रहती है। आगे आते हैं अपने पास में चौथे वाले में, यहाँ पे अगर आप देखो फिगर के अंदर तो अपने पास में पहला जो त्रिभुज दिया हुआ है वो है आर पी क्यू, ये हो जाएगा, और दूसरा जो आपके पास में आकृति दी हुई है वो है ये ए बी सी और डी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये एक ही आधार पर स्थित है क्या, तो वो बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये सिर्फ पी क्यू है इसका आधार त्रिभुज का और अपने पास में ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका बी सी है, तो आधार भी सेम नहीं है। हाँ, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है वो बात होगी। कौन कौन है, एक तो देखो समांतर रेखा अपने पास में ए डी हो चुका है और दूसरा जो है ये वाला हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि बी सी और ए डी। आप ये मत सोचना कि सर बी सी है पी क्यू नहीं है, वो एक्चुअली समांतर रेखा में जब चेक करते हैं तो पी क्यू का हो या बी सी का हो एक ही बात है। तो एक समांतर रेखाओं के बीच में तो स्थित है अपने पास में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी जो है वो समांतर है अपने पास में किसके, बी सी के, ए डी जो है समांतर है बी सी के, लेकिन उभयनिष्ठ आधार नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसके अंदर देखते हैं अपने पास में, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप ये देखो अपने पास में एक तो आकृति ये दी हुई है ए बी सी डी, ठीक है, और नेक्स्ट आकृति अपने पास में क्या दी हुई है ए पी क्यू डी, ये दो आपको जो है आकृतियाँ दी हुई है। तो इन दोनों में देखा जाए तो आधार जो है अपने पास में वो तो कॉमन हो जाएगा, कौन है आधार ए डी कॉमन है, और क्या दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है क्या, जी हाँ, ये ए डी है और ये आपके पास में क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी स्थित है।
नेक्स्ट आ जाओ अपने पास में छठे वाले में। तो छठे वाले में अगर आप देखा जाए तो आपके पास में क्या क्या आकृतियाँ हैं। यहाँ पे वैसे कई चीज़ें दिख रही हैं लेकिन अपन कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो ये है पी क्यू आर एस, और दूसरा जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, मान लो आप इसको कंसिडर कर रहे हो ए बी सी पी को, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आधार जो है अपने पास में वो तो सेम है दोनों का, पी एस जो है आधार सेम हो जाएगा, लेकिन समांतर रेखाएं जो है एक नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो है इसके समांतर है और ये इसमें इसके समांतर है। तो एक ही समांतर रेखाएं नहीं है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है, आधार जरूर सेम हो जाएगा। अब जैसे मैंने इस वाले को लिया है, आप ए क्यू आर डी को ले सकते हो, इस तरह से अपन अलग अलग फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन समांतर रेखाएं जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं होगा, लेकिन आधार जो है वो सेम हो सकता है। ये बातें अपने पास में यहाँ पे डिस्कस हो गई, तो एक बार कंप्लीट लुक देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रमेय 9.1 पे, वो अपने पास में क्या है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रमेय है आपके पास में इंपॉर्टेंट है, तो इसका अपन प्रूफ भी यहाँ पे कर रहे हैं। क्या लिखा है प्रमेय, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज जो है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये अपने पास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास में दो समांतर चतुर्भुज हैं ए बी सी डी तथा ई एफ सी बी, ये अपन मानेंगे। तो देखो ये रहा ए ए बी सी डी, ये तो हो गया पहला समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या है अपने पास में ई एफ सी बी, ये दो समांतर चतुर्भुज हो गए, इनके क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है, ये अपने पास में है। अब इसको कैसे करेंगे ज़रा यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, उन बात उस पर गौर करना, कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं ये देखो, है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक तो त्रिभुज अपने पास में ये बन रहा है एफ डी सी, और दूसरा जो त्रिभुज अपने पास में बन रहा है वो है ये ई ए बी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ई ए बी, ई ए बी तथा त्रिभुज एफ डी सी में, एफ डी सी में। सबसे पहली बात पता है आप यहाँ पे क्या कहोगे, सबसे पहली बात आप यहाँ पे कहोगे अपने पास में कि ये जो है आपके पास में ए बी और ये जो है आपके पास में डी सी, ये बराबर होगा। इसका कारण क्या है कि अपने पास में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो उसकी समभुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज़ ये कह दी कि ए बी जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, सी डी के, ये पहली बात हो गई। इसका कारण आप लिख देंगे, चूंकि ए बी सी डी समभुजाएं बराबर है, आप सिंपल इतना लिख लो, अपने पास में वैसे दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं लिख लो, इसमें भी अपना कंसिडर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखना, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे जो है समांतर दी हुई है, तो समांतर दी हुई है तो बहुत सारे कोण जो अपने पास में बराबर होते हैं। कौन से कोण कहाँ पे बराबर होंगे मैं ज़रा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, ये है अपने पास में, ठीक है, इसमें ये अपने पास में हो गई तिर्यक रेखा। अब इसमें कौन कौन समांतर है, ये ए बी जो है किसके समांतर है अपने पास में, सी डी के समांतर है। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए कोण एक है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, कोण दो है। तो कोण एक और दो जो है अपने पास में क्या है, संगत कोण है, तो बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे अपने पास में कि कोण एक जो है वो बराबर है किसके, कोण दो के, और इसका कारण क्या हो जाएगा आपके पास में, संगत कोण, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, आगे हमें जो है, मैं यहाँ पे प्लान ये है कि मैं इन दोनों त्रिभुज को जो है सर्वांग सम सिद्ध करना चाह रहा हूँ। अब वो क्यों करना चाह रहा हूँ आपको पता लग जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, दूसरी बात अपने पास में ऐसा है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखना कि ये तो अपने पास में क्या है, तिर्यक रेखा हो जाएगा। ये जो है आपके पास में बी ई और ये जो है आपके पास में एफ सी, ये दोनों क्या है अपने पास में, समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है। अब जैसे ये दोनों समांतर होंगी तो आपके पास में ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों कोणों के बराबर होने का कारण क्या, अपने पास में संगत कोण। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास में कोण तीन है और ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, कोण चार है। तो कोण तीन और चार बराबर हो गए संगत कोण से, लेकिन हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में सर्वांग समता कसौटी जो है मैं यहाँ पे प्रयोग करना चाह रहा हूँ वो है ए एस ए, भुजा कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण। तो उस हिसाब से हमारे पास में कोण हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, लेकिन कोण हमें जो है ये वाला चाहिए, ये वाले कोण हमारे काम के नहीं है क्योंकि भुजा जो है दोनों कोणों के बीच में आनी चाहिए अपने पास में। ठीक है, या वैसे हम इस बात का भी प्रयोग कर सकते हैं कि ए एस ए में हमारे पास में कोई भी दो कोण ले लो और एक भुजा ले लो तो वो भी वर्क कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अगर हम इस बात को ले लें कि कोई भी दो कोण ले लो और एक भुजा ले लो तो वर्क करेगा, तो कोण तीन और चार अपने पास में बराबर है। ठीक है, तो कोण तीन और चार जो है वो बराबर है, इसका कारण हो जाएगा अपने पास में क्या, संगत कोण।
ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, अतः त्रिभुज ई ए बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज एफ डी सी के, किसके कारण से अपने पास में, या तो आप यहाँ पे कह लो ए एस ए, ठीक है, ए एस ए का मतलब है कोण भुजा कोण, या आप इसको ए ए एस भी कह सकते हो। ए एस ए को अपन ऐसे करके लिख सकते हैं, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, तो आपके पास में ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब जैसे ही सर्वांगसम हुए तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है अपने पास में वो बराबर होता है, कोई भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो एरिया ई ए बी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, एरिया एफ डी सी, ये मान लीजिए समीकरण नंबर एक, ये हो गया। अब नेक्स्ट, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है क्षेत्रफल में बराबर है। अब जरा यहाँ देखना, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ना जिस एरिया में, ये क्षेत्रफल जो है मैं दोनों त्रिभुज में जोड़ना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही दोनों में जोड़ूंगा तो क्या होगा, जरा यहाँ पे देखते हैं अपन। तो आप यहाँ पे कहेंगे क्षेत्रफल ए एफ सी बी दोनों तरफ जोड़ने पर, क्षेत्रफल ए एफ सी बी दोनों तरफ जोड़ने पर, तो देखिए आपके पास में क्या होगा, क्षेत्रफल ई ए बी प्लस क्षेत्रफल ए एफ सी बी वो बराबर है अपने पास में किसके, क्षेत्रफल एफ डी सी प्लस क्षेत्रफल ए एफ सी बी। अब यहाँ पे देखो ई ए बी प्लस ए एफ सी बी, ई ए बी प्लस ए एफ सी बी हमारे पास में क्या आ चुका है, ये आ चुका है ई एफ सी बी समांतर चतुर्भुज। तो आप यहाँ पे कहोगे ये किसके बराबर है अपने पास में, क्षेत्रफल ई एफ सी बी, और उधर क्या अपने पास में एफ सी डी प्लस ए एफ सी बी, एफ सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज प्लस ए एफ सी बी, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज अपने पास में आ जाएगा क्या, ए बी सी डी, और दोनों समांतर चतुर्भुज का हमें क्या सिद्ध करना था कि उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो इस तरह से जो हम यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे। एक बार कंप्लीट लुक देख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर दो पे, वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, ठीक है, ये अपने पास में देखो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक अपने पास में त्रिभुज हो जाएगा ए बी पी, ये दोनों का आधार जो आपको ए बी जो है सेम दिख रहा है, और साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा अपने पास में कि ये जो डी सी जिस पे चलता जा रहा है उसी में आपके पास में बिंदु पी आ रहा है, यानी कि वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और ये जो अपने पास में ये उदाहरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रमेय के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने पास में, और उदाहरण तो है ही अपने पास में। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी पी, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है ना, तो हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, माना त्रिभुज ए बी पी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही समांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच में स्थित है तथा एक ही आधार ए बी के बीच में स्थित है, ठीक है, तथा आधार ए बी पर स्थित है, ठीक है, ये अपने पास में हो चुका है। सिद्ध क्या करना है कि अपने पास में जो त्रिभुज पी ए बी है उसका क्षेत्रफल इस ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा, ये अपने पास में बात हो चुकी है। तो चलिए फिर अपन इसको करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमने क्या पढ़ा है उसी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन हमारे पास में तो समांतर चतुर्भुज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए बी सी डी है, दूसरा तो है ही नहीं, तो इस बात का क्या करें। तो आप यहाँ पे देखो, क्या मैं यहाँ पे कुछ रचना करके अपने पास में काम नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में हम रचना करते हैं, तो ज़रा यहाँ पे देखना, हम रचना जो है कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार से बनाएंगे कि वो ए पी के जो है समांतर हो, है ना, ए पी के एक भुजा अपन यहाँ पे खींचेंगे बिंदु पी बी से, और इस तरह से खींचेंगे कि वो ए पी के जो है समांतर है। तो कैसे होगा ज़रा यहाँ पे देखो, तो मान लीजिए अपने पास में जो है ये मैंने रचना करी है रेखाखंड बी क्यू की, जो कि किस तरह से है, ए पी के समांतर है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, रेखाखंड बी क्यू ए पी के समांतर है, ये अपन ने खींचा है।
तो जरा यहाँ पे देखो, ए पी आपके पास में आ चुका है, बी क्यू के समांतर है, और अपने पास में ए बी जो है वो समांतर था ही इसके, तो मतलब पी क्यू के भी समांतर है। अतः हमारे पास में ए बी क्यू पी आपके पास में क्या हो चुका है, एक समांतर चतुर्भुज हो चुका है। तो ये चीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे बोल दिया है कि ए बी क्यू पी जो है आपके पास में ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जरा गौर से देखना, हमारे पास में यहाँ पे जो है आपको क्या प्राप्त हो चुके हैं, दो समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो चुके हैं। एक तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, और दूसरा जो अपने पास में समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ है ना, वो कौन सा हो चुका है, अभी अभी अपन ने बनाया है ये वाला ए बी क्यू पी। तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो अतः है आप यहाँ पे क्या कह सकते हो अपने पास में, देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है अपने पास में ए बी सी डी का, और क्षेत्रफल जो है अपने पास में ए बी क्यू पी का, वो बराबर है। ठीक है, ये अपने पास में हो चुका है। इसका कारण आप यहाँ पे लिख ही देंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटा दो से गुणा कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक बटा दो गुणा क्षेत्रफल ए बी सी डी, वो बराबर अपने पास में किसके, एक बटा दो गुणा क्षेत्रफल ए बी क्यू पी अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना कि हमारे पास में जो ये दिया हुआ है ना समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी, इसके अंदर ये जो आपको बी पी दिख रहा है ना, ये क्या है, इस बी पी जो है इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, और हमें इस बारे में जानकारी है कि विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देता है। तो ऐसे में ये जो ए बी क्यू पी है इसका आधा करोगे तो आपके पास में किसके बराबर होगा, पी ए बी के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस एक बटा दो क्षेत्रफल ए बी सी डी को तो मैं ऐसा कैसा ही लिखूंगा, लेकिन सीधे हाथ में जो लिखा है ना एक बटा दो क्षेत्रफल ए बी क्यू पी, उसकी जगह आ जाएगा पी ए बी, क्षेत्रफल पी ए बी। और इसका कारण क्या हो जाएगा कि अपने पास में विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, और हमें सिद्ध क्या करना था कि पी ए बी का जो क्षेत्रफल है वो एक बटा दो है ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। तो आप इसको ऐसे करके लिख लो, आपके पास में प्राप्त हो जाएगा कि पी ए बी का जो क्षेत्रफल है अपने पास में वो एक बटा दो है, आधा है किसके क्षेत्रफल के, ए बी सी डी के। ये लो, अपने पास में जो है सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से जो आपके पास में सिद्ध करना रहेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास में, प्रमेय के तौर पर अपन इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इस तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते हैं किस पे, प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई जो है लंब है डी सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ए ई जो है आपके पास में ये रहा ए ई, ये ए ई जो है इस डी सी के ऊपर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक बात है, और सी एफ जो है वो अपने पास में लंब है किसके, ए डी के। ठीक है, सी एफ कहाँ पे है, ये रहा, ये सी एफ जो है वो लंब है इस ए डी पे। ठीक बात है, यदि ए बी बराबर है 16, ए बी जो है आपके पास में वो कितना हो जाएगा 16, तो ये देखो ये 16 सेंटीमीटर है, ए ई जो है वो है आपके पास में 8, तो ए ई जो है आपके पास में ये है, तो ये हो जाएगा 8। फिर सी एफ जो है वो आपके पास में कितना है 10, सी एफ जो है ये वाली है, ये आपके पास में 10 है, तो ए डी जो है उसकी लंबाई निकालनी है, ये ए डी जो है आपके पास में इसकी लंबाई जो हमें प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ए बी 16 है, तो ऐसे में यहाँ पे ये जो आपके पास में नीचे सी डी है ये भी कितना हो जाएगा 16, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ये अपने पास में बात हो गई। अब जरा आगे देखो, आप यहाँ पे क्या कहोगे कि अपने पास में क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास में बराबर होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई के। ठीक है, ये चीज रहती है, तो यहाँ पे अपन ये लिखेंगे आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है, संगत ऊंचाई ये हो गया।
अब क्षेत्रफल ए बी सी डी, फिर आप क्या बोलोगे, अगर हम आधार ले रहे हैं किसको, डी सी को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ई, तो यहाँ पे आप बोलोगे ए डी, नहीं डी सी गुणा ए ई, ये हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो अपने पास में इसका क्षेत्रफल ऐसे भी तो निकलेगा कि आधार अगर आपके पास में ए डी है तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, तो ए डी गुणा सी एफ, तो ये भी आपके पास में यही क्षेत्रफल होगा, ए डी गुणा सी एफ अपने पास में आ जाएगा। अब ए डी की लंबाई हमें पता नहीं है तो ए डी को ए डी रहने दो, सी एफ की लंबाई आपको पता है क्या, सी एफ अपने पास में क्या है, 10 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10। डी सी आपके पास में कितना है, डी सी 16 है, वो आया आ जाएगा। ए ई आपके पास में कितना है, 8, तो वो आपके पास में यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अपने पास में ए डी बराबर जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, 16 गुणा 8 करोगे तो 8 छक्के 48, 4 128 बटे में 10, यानी कि ए डी जो है आपके पास में कितना आ चुका है, 12.8 सेंटीमीटर। बस ये हमें इसका जो है आंसर चाहिए था, इस तरह से अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, और ये प्रश्नावली 9.2 का एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में। क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। आकृति में पी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, तो ये जो बिंदु पी है ना आपके पास में, ये वाला जो बिंदु पी है ये ए बी सी डी के अभ्यंतर में मतलब अंदर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए। 3 हिस्से दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे दिया है मैं लिख लेंगे, सिद्ध करना में है, सिद्ध करना है जो है उसमें आप पहला हिस्सा लिखोगे, दूसरा हिस्सा लिखोगे, और फिर जो है तीसरा हिस्सा लिखोगे। मैंने यहाँ पे जगह बचाने के लिए नहीं लिखा है। अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, जरा उसको देखो। क्षेत्रफल ए पी बी, तो देखो ए पी बी अपने पास में कौन सा, ये रहा ए पी बी, यानी कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना इसकी बात कर रहा है, प्लस क्षेत्रफल पी सी डी, पी सी डी यानी कि जो नीचे वाला क्षेत्रफल है ना इसकी बात कर रहा है, ये दोनों मिलके किसके बराबर अपने पास में, 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी, क्षेत्रफल ए बी सी डी का आधा है, ये अपन को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझो कि हमने सीखा क्या है। हमने तो बस ये दो चीज़ें सीखी अभी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज जो है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, और त्रिभुज जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये दो बातें अपन ने सीखी है, तो वैसा कुछ दिखना चाहिए ना, तभी तो अपन उन बात का प्रयोग करेंगे। तो मेरा प्लान ये है कि हम यहाँ पे ए बी, क्योंकि ए बी और सी डी वैसे ही समांतर है, तो ए बी के समांतर हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि बिंदु पी से गुजरेगा। नामकरण इसका अपन क्या कर लेते हैं, ई एफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करी है, रचना करी है, अपनी तरफ से करी है, तो हमें इस बारे में जो है रचना में लिखना पड़ेगा। तो रचना आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, बिंदु P से AB के समांतर जो है रेखाखंड EF अपन ने खींची है, ये बात हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखो अपने पास में, अब आपके पास में क्या हो चुका है बच्चों, जरा गौर से देखना, AB जो है CD के समांतर था, EF हमने AB के समांतर बनाई, तो ऑटोमेटिकली EF जो है आपके पास में किसके समांतर है, CD के समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये जो AD है आपके पास में, ये जो AD है आपके पास में ये किसके समांतर है, ये AD जो है इस BC के समांतर थी, तो इस AD का जो हिस्सा है आपके पास में ED और इस BC का जो हिस्सा है FC, वो भी आपस में समांतर होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या प्राप्त हुआ है कि EFCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे प्रूफ किया, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं के दो युग्म समांतर हो जाए तो वो चतुर्भुज अपने पास में क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज। तो उस बात का प्रयोग करके मैं कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बोलोगे, चूंकि अपने पास में EF जो है वो समांतर है सी डी के, तथा तथा डी ई जो है अपने पास में वो समांतर है किसके, सी एफ के, इसलिए अपने पास में ई एफ सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ई एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। नहीं तो हम अपनी इच्छा से थोड़ा ना कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज लग रहा है इसलिए कह दो, हमें बताना पड़ेगा। इसी तरह अपने पास में ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये ए बी एफ ई, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है,
तो आप क्या बोलोगे, इसी तरह ए बी एफ ई भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये दो बातें जो अपन यहाँ पे कर चुके हैं। अब जैसे हमने ये सिद्ध कर दिया ना, हम इन बातों का आराम से धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे, खुलेआम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में, सबसे पहले इसमें देखना, इस वाले फिगर के अंदर, इस वाले फिगर में आप देखो, ये आपके पास में क्या हो चुका है, समांतर चतुर्भुज हो चुका है। और यहाँ पे अपने पास में इसके अंदर जो है आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो अब आप क्या बोलोगे, अब क्षेत्रफल जो है अपने पास में डीपीसी बोले, नहीं पीसीडी कहते थे क्योंकि क्वेश्चन ने वही प्रयोग किया है, पीसीडी। क्षेत्रफल जो अपने पास में पीसीडी वो किसके बराबर है, एक बटा दो क्षेत्रफल ई एफ सी डी के, क्षेत्रफल ई एफ सी डी के। ये अपने पास में क्या आ चुका है, समीकरण नंबर एक। अब इसी तरह अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में आपको जो है त्रिभुज दिख रहा होगा एपीबी और समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा ए बी एफ ई, इसके अंदर हम ये चीज कह देंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल अपने पास में क्या नाम रखें, एपीबी रख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी वही है। क्षेत्रफल ए पी बी जो है वो बराबर है किसके अपने पास में, एक बटा दो क्षेत्रफल ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ये आपके पास में आ गया समीकरण नंबर दो। अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को जो है आपस में जोड़ लो, फिर देखना आपके पास में क्या होता है। ठीक है, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, तो उल्टे हाथ में उल्टे हाथ को जोड़ो, सीधे हाथ में सीधे हाथ को जोड़ो। तो उल्टे हाथ में उल्टे हाथ को जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एरिया पी सी डी प्लस एरिया ए पी बी, एरिया पी सी डी प्लस क्षेत्रफल ए पी बी, एरिया मतलब क्षेत्रफल इंग्लिश में। और इधर अपने पास में क्या आ जाएगा, एक बटा दो ये और एक बटा दो ये। ठीक है, तो एक बटा दो क्षेत्रफल ई एफ सी डी प्लस एक बटा दो क्षेत्रफल ए बी एफ ई। ठीक है, अब एक बटा दो जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या बचेगा, क्षेत्रफल ई एफ सी डी प्लस क्षेत्रफल ए बी एफ ई, बंद कर दो यहाँ पे। अब जरा गौर से देखना, एक स्टेप का और क्वेश्चन है अपने पास में, ई एफ सी डी और ए बी एफ ई ओवरऑल मिलके क्या है, ई एफ सी डी प्लस ए बी एफ ई, तो क्या आ गया, ओवरऑल ही आपके पास में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं आ गया, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल ए पी सी डी। और उल्टे हाथ में आप पी सी ए क्षेत्रफल पी सी डी लिखो प्लस क्षेत्रफल ए पी बी लिखो, या फिर क्षेत्रफल ए पी बी लिखो या फिर क्षेत्रफल पी सी डी लिखो, एक ही बात अपने पास में हो जाती है। तो हमें क्या करना था, पहले वाले ऐसे में ये सिद्ध करना था कि ए पी बी का क्षेत्रफल प्लस पी सी डी का क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधा है। तो ये अपन ने पहला हिस्सा जो है यहाँ पे पूरा कर लिया है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा जो है हमें वो क्या सिद्ध करना है कि इधर तो आपके पास में ए पी डी और पी बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखो, इधर ए पी बी और पी सी डी लिखा है, मतलब इधर जो लिखा हुआ था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस इस बार यहाँ बदल गया है। यहाँ पे अपने पास में क्या आ चुका है, मैं एक बार है ना आपको अगले वाले फिगर में दिखाता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। इधर अपने पास में लिखा है ए पी डी, तो ए पी डी आपके पास में कौन सा वाला क्षेत्रफल है, ये वाला। ए पी डी कौन सा क्षेत्रफल है आपके पास में, ये वाला, प्लस पीबीसी, पीबीसी यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इसकी बात कर रहा है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल मिलके किसके बराबर है, एपीबी और पीसीडी के। एपीबी आपके पास में कौन सा है, ये ऊपर वाला क्षेत्रफल, और पीसीडी कौन सा है आपके पास में, ये नीचे वाला क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसको अपन कैसे करें, जरा यहाँ पे अपने पास में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अपन ने पिछली बार रचना करी थी कुछ इस तरह से, बीच में हमने ये रेखाखंड खींचा था, तो क्या हम रचना कुछ इस प्रकार से नहीं कर सकते कि अपने पास में एक इस तरह का रेखाखंड खींचे जो कि इसका नामकरण अपन क्या करते हैं, ई एफ हो चुका है, जी एच कर लेते हैं, ये जी हो जाएगा और ये अपने पास में एच हो जाएगा, जो कि ए डी के जो है समांतर है। इस तरह से अपन ने रेखाखंड खींचा है, तो रचना लिख देंगे सबसे पहले। अब चूंकि क्वेश्चन आपने एक ही जगह पे शुरू किया है ना, तो रचना यहीं पे लिख देना। ठीक है, आपको दिखाने के लिए भी मैं वहां लिख रहा हूं, बाकी आप जो है रचना यहीं से लिख देना। ठीक है, तो आप यहां पे बोलोगे बिंदु P से होकर
एडी के समांतर रेखाखंड जीएच खींचे। ये हो गया अपने पास में। अब आगे बढ़ते हैं। अब वही बात अपने पास में हो गई कि एडी जो है वो समांतर है किसके, बीसी के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में, और जी एच जो है हमने किसके समांतर बनाया, एडी के, तो एडी इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये अपने पास में बात आ गई। जैसे हमने पिछला भी हिस्सा किया ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको करना रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये जो ए बी जो है अपने पास में ये किसके समांतर है, सी डी के, है ना, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये जो दिख रहा है ना ए जी एच डी, ए एच जो है जी एच के समांतर है और ये ए जी जो है डी एच के समांतर है, अतः ए जी एच डी अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसी तरह से बी सी जो है अपने पास में जी एच के समांतर है, जी बी जो है अपने पास में एच सी के समांतर है, अतः जी बी सी एच जो है ये भी समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, चूंकि ए जी एच डी तथा जी बी सी एच, जी बी सी एच समांतर चतुर्भुज है, मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना रहेगा, समांतर चतुर्भुज है, ये बात अपने पास में हो गई। अब जैसे ही समांतर चतुर्भुज हुआ अब हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है इस क्वेश्चन को अपने पास में, कि हाँ यहाँ देखो ए जी एच डी, इसमें देखो इसमें जो है आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा ए पी डी, तो ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल ए पी डी वो बराबर है अपने पास में किसके, एक बटा दो क्षेत्रफल ए जी एच डी, ए जी एच डी, इसका कारण आ जाएगा अपने पास में, वही लिख देना प्रमेय। ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर एक था, दो था, इसको अपन क्या ले लेते हैं, समीकरण नंबर तीन ले लेते हैं, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर चार। अब नेक्स्ट आ जाओ इसी तरह इसमें, इसमें आपको एक और त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा वाला दिख रहा होगा, पी बी सी, तो आप यहाँ पे कहोगे इसी तरह क्षेत्रफल पी बी सी वो बराबर अपने पास में किसके, एक बटा दो क्षेत्रफल जी बी सी एच, जी बी सी एच के, कारण अपने मैंने इसी तरह लिख दिया तो कारण दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया समीकरण नंबर चार और पांच। अब समीकरण नंबर चार और पांच को जोड़ लो, कैसे मुझे आइडिया लगा, क्योंकि देखो एरिया एपीडी और एरिया पीबीसी जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ना ही अपने पास में फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, समीकरण चार प्लस समीकरण पांच जो है उनको जोड़ लो, तो देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा क्षेत्रफल ए पी डी प्लस उल्टे हाथ में उल्टे हाथ को जोड़ो क्षेत्रफल पी बी सी वो बराबर है किसके, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक बटा दो पहले ही मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, क्षेत्रफल ए जी एच डी प्लस आगे अपने पास में क्या जाएगा, क्षेत्रफल जी बी सी एच, ये अपने पास में आ चुका है। अब नेक्स्ट एक बटा दो ऐसा कैसा रहने दो, ए जी एच डी क्या है, देखो ए जी एच डी प्लस जी बी सी एच, जी बी सी एच, ये ओवरऑल मिलके अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वाला जो समांतर चतुर्भुज है वो हो जाएगा ए बी सी डी, क्षेत्रफल ए बी सी डी, और उल्टे हाथ में अपने पास में क्या लिखा हुआ था, क्षेत्रफल ए पी डी प्लस क्षेत्रफल पी बी सी, ये अपने पास में जो है किसके बराबर हो चुका है, ये अपने पास में जो है इसके बराबर आ चुका है, मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये समीकरण नंबर छह है, तो इसका योगफल जो है किसके बराबर है, ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधे के, और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि इसका योगफल जो है किसके बराबर है, ए बी सी डी के आधे के, तो ये भी ए बी सी डी के आधे के बराबर है, वो वाला भी ए बी सी डी के आधे के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण नंबर तीन और छह से, ठीक है यहां आ जाओ। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कहोगे अपने पास में, समीकरण तीन तथा छह से, इधर देखो क्या लिखा है अपने पास में, ये वाले समीकरण की बात कर रहा हूं मैं,
ये वाला ठीक है। इधर है एपीडी प्लस पीबीसी, क्षेत्रफल एपीडी प्लस क्षेत्रफल पीबीसी किसके बराबर है, 1/2 क्षेत्रफल एबीसीडी। तो यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा था, 1/2 क्षेत्रफल एबीसीडी इसके बराबर है। एरिया ए पी बी प्लस क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, पी सी डी। ये लीजिए, यही हमें जो है यहाँ पे सिद्ध करना था, अपन ने यहाँ पे कर दिया। तो एक बार यहाँ पे पूरा गौर से देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 6 पे, प्रश्नावली 9.2 के क्या लिखा है। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लीजिए अपने पास में समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत है, इसका नामकरण कर देंगे पी क्यू आर एस। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया, ये आर एस है, उसके ऊपर अपने पास में क्या किया, एक बिंदु ए लिया है और उसे पी और क्यू से मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पी से मिलाया, उसे क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, साफ सुथरा दिख रहा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो खेत जो है कुल 3 भागों में विभाजित हो चुका है। इन भागों के आकार क्या हैं, ये आपको त्रिभुज आकार के दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन खेतों का आकार जो अपने पास में त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, पूरा स्टेटमेंट लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वे ऐसा कैसे करें, गेहूं और दाल बोने हैं और अलग अलग बोने हैं, ठीक है। तो प्लान ये है अपने पास में कि आप यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा त्रिभुज ए, त्रिभुज पी क्यू ए ये, और पी क्यू आर एस जो है समांतर चतुर्भुज ए के आधार पी क्यू पे स्थित है, ए की समांतर रेखाओं पी क्यू और एस आर के बीच में स्थित है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा अपने पास में, आधा हो जाएगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे का आधा हो गया, मतलब ये क्षेत्रफल जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, आधा है पूरे का। तो बाकी जो बचा आपके पास में क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो बाकी आधा होगा, मतलब ये वाला और इधर उल्टे हाथ वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाकी आधा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये चीज कह देंगे कि ये क्षेत्रफल जो है उस पूरे के बराबर है। तो ऐसे में दाल जो है यहाँ पे डाल लो, गेहूं यहाँ पे लगा लो, दाल यहाँ पे लगा लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, गेहूं यहाँ पे लगा लो, दाल यहाँ पे लगा लो और गेहूं यहाँ पे लगा लो, ठीक है। इस तरह से अपन यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेना, क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। तो ये अपने पास में प्रश्नावली 9.2 जो है उसकी कहानी अपने पास में हो चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 9.3 जो है जरा उनके बारे में चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अपन यहाँ पे आते हैं प्रमेय 9.2 पे, वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों, अब ये चीज ध्यान रखना, ये दो बातें हैं यहाँ पे, मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ, आप तो बस ये देखो, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बना रखे हैं, एक तो हो जाएगा आपके पास में ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, डी सी बी। ये दोनों जो हैं किसके ऊपर स्थित हैं, एक ही आधार बी सी के ऊपर स्थित है, ठीक है, एक ही आधार बी सी के ऊपर स्थित है और एक ही समांतर रेखाएं अपने पास में उनके बीच में स्थित है। तो ये बी सी जो है आपके पास में इसके समांतर है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ऐसे त्रिभुज जो है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये तो हो गई पहली बात। अब यहाँ पे लिखा है बराबर आधारों वाले में, कई बार क्या होता है अपने पास में त्रिभुज इस तरह से होते हैं कि उनके आधार बराबर होते हैं लेकिन एक ही आधार पर स्थित नहीं होते, आधारों की लंबाई जो है वो बराबर होती है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, अपने पास में यहां पे आपको देखने को मिल रहा है दो त्रिभुज है एक्स वाई जेड और दूसरा आपके पास में एम जेड एन, इन दोनों जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है एक्स एम और वाई एन। दूसरा, इसके जो आधार है ना अपने पास में, इसका तो क्या है वाई जेड है और इसका क्या है अपने पास में जेड एन है, ये दोनों आपस में लंबाई में बराबर है, तब भी आप क्या कहोगे अपने पास में कि ये दोनों त्रिभुज जो है क्षेत्रफल में बराबर हो जाएंगे। तो आधार तो कॉमन होनी चाहिए, ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात ये कि आधार सेम नहीं है लेकिन लंबाई में सेम है, बराबर आधार है पर समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तब भी उनका क्षेत्रफल जो है बराबर हो जाता है, ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं अपन इसके प्रमेय 9.3 पे जो कि इसका विलोम है, वो क्या लिखा है जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
मान लीजिए अगेन अपने पास में दो त्रिभुज हैं, एक हो जाएगा ए बी सी और दूसरा हो जाएगा आपके पास में पी सी बी। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। मान लीजिए ये जो दो त्रिभुज हैं ये एक ही आधार बी सी के ऊपर स्थित हैं और इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अपने पास में ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, पी बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, ये दोनों जो अपने पास में एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, ये अपने पास में बात है। अब इनका जहाँ जहाँ प्रयोग रहेगा वहाँ वहाँ हम करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन किस पे, उदाहरण नंबर तीन पे। स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर तीन जो है अपने पास में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, दो बातों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये अपने पास में कि इसको हम प्रमेय के तौर पे भी प्रयोग करेंगे, हम इसका रिजल्ट जो है सीधे तौर पे लिखेंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन के रूप में तो आपके पास में आ ही सकता है, ठीक है। अब वो कैसे करना है ज़रा यहाँ पे अपन समझते हैं। उदाहरण तीन, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो मान लीजिए अपने पास में एक त्रिभुज ए बी सी है, उसकी माध्यिका ए डी है, तो ये माध्यिका ए डी जो है उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। मतलब कि ये जो त्रिभुज ए बी डी है और ये जो त्रिभुज आपके पास में ए सी डी है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले तो अपने पास में डायग्राम भी गिवन नहीं है, आकृति तो हमें लिखना पड़ेगा। माना त्रिभुज ए बी सी है और ए डी उसकी माध्यिका है, सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो हमारा प्लान यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। हम यहाँ पे एक लंब डालेंगे, ठीक है, ए ई हमने जो है एक लंब डाला है बी सी पे। तो यहाँ पे रचना हम क्या लिखेंगे कि ए ई जो है आपके पास में वो लंब है किसके, बी सी के, ये अपने पास में हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या कहोगे कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा अपने पास में, एक बटा दो गुणा आधार गुणा आपके पास में क्या आ जाएगा, ऊंचाई, ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बटा दो तो आप ऐसा कैसा लिखोगे, आधार जो है अपने पास में ए बी डी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी की, तो उसमें आधार क्या हो जाएगा आपके पास में बी डी, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, बी डी, गुणा ऊंचाई आपके पास में क्या हो जाएगा, ए ई, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ए ई हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना, एक बटा दो ऐसा का ऐसा, चूंकि स्टूडेंट्स अपने पास में ए डी जो है माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करती है, जिस भुजा पे गिर रही होती है ना उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसका मतलब ये कि आपके पास में ये जो बी डी है और ये जो आपके पास में डी सी है इसकी लंबाई बराबर होगी, तो ये आप जो है कहेंगे, क्योंकि माध्यिका में दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो बी डी जो है बराबर है डी सी के, तो इस बी डी की जगह मैं यहाँ पे डी सी लिख लूँ क्या, और ए ई को अपन क्या रहने देंगे, ए ई रहने देंगे। इसका कारण आप बता देंगे, चूंकि अपने पास में बी डी जो है वो बराबर है किसके, डी सी के। अब ज़रा गौर से देखना, अगर मैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालता तो भी मैं सूत्र क्या कहता, एक बटा दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार अपने पास में डी सी है लेकिन इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो अपने पास में क्या है, ए ई है, है ना, तो एक बटा दो गुणा डी सी क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, तो ये आपके पास में किसका क्षेत्रफल है, ये आपके पास में क्षेत्रफल है ए डी सी का, तो यहाँ पे आप कहोगे क्षेत्रफल ए डी सी, और इधर अपने पास में क्या चल रहा था, क्षेत्रफल ए बी डी। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था कि क्षेत्रफल ए बी डी जो है आपके पास में किसके बराबर है, क्षेत्रफल ए डी सी के बराबर है। इस तरह से अपन जो यहाँ पे कर सकते हैं, आई होप आइडिया लग गया होगा, एक बार कंप्लीट लुक यहाँ पे देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात का सीधे तौर पर प्रयोग भी करेंगे, कैसे कि अगर आपको कहीं पे माध्यिका मिल जाती है तो आप सीधे तौर पे कहोगे कि अपने पास में माध्यिका जो है किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, जैसे अपन ने बोला अपन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय जो है अपने पास में डायरेक्टली तो इस चैप्टर में नहीं है लेकिन हमारे पास में काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने एक बार सेक्शन रखा है ताकि अपन रिकॉल करके फिर अपन आगे क्वेश्चन कर सकें। मध्य बिंदु प्रमेय अपने पास में क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, डी और ई इसका क्या है, मध्य बिंदु है, तो बिंदु डी से मध्य बिंदु ई तक अगर हम एक रेखाखंड खींचते हैं और उसको जोड़ते हैं, तो ऐसे में जो आपके पास में तीसरी भुजा जो है ना बी सी, ये जो डी ई है इस तीसरी भुजा के समांतर आता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात अपने पास में ये कि ये जो डी ई है ये इस तीसरी भुजा का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ये है मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड
तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है, इसको अपन कहते हैं क्या, मध्य बिंदु प्रमेय, ये अपने पास में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका जहां प्रयोग होगा अपन वहां पे कर लेंगे। आगे अपने पास में लिखा है प्रश्न नंबर दो, प्रश्नावली 9.3, क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में, है ना, फिगर दिया हुआ नहीं है तो मैंने यहाँ पे बना लिया, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। अब ई जो है अपने पास में वो माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, तो मतलब एडी भी माध्यिका है और उसका मध्य बिंदु ई है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल बीईडी, हमें ये दर्शाना है कि ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है बीईडी किसके बराबर है, एबीसी के, मतलब कि पूरा का पूरा जो त्रिभुज है एबीसी उसके क्षेत्रफल का एक चौथाई है। तो दिया है, मैं अपन लिख लेंगे, त्रिभुज एबीसी है, माध्यिका एडी है, एडी का मध्य बिंदु आपके पास में ई है, मतलब कि एई और एडी जो है वो बराबर हो जाएगा। सिद्ध करना है वो अपन ने लिख लिया। अब अपन आते हैं उपपत्ति पे। आप इस बात को देखिए अपने पास में कि हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा था कि माध्यिका जो है आपको क्या करती है, त्रिभुज को क्षेत्रफल को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो चूंकि एडी जो है वो माध्यिका है इस एबीसी की, है ना, तो आप यहां पे बोलोगे चूंकि, नहीं यहां पे पहले ऐसे बोलो ज्यादा सही रहेगा, त्रिभुज एबीसी में क्षेत्रफल एबीडी बराबर है अपने पास में किसके, क्षेत्रफल एसीडी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, चूंकि एडी माध्यिका है, या फिर आप ऐसे लिख लो, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है ये अपन ने बात यहां पे लिख ली। ठीक है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब इसी तरह हम यहां पे कुछ और बातें भी कह सकते हैं। इसी तरह हम यहां पे क्या कहेंगे अपने पास में कि ई जो है, बच्चों जरा गौर से देखना, ई जो है वो किसका मध्य बिंदु है, एडी का, है ना। माध्यिका अपने पास में क्या करती है, जैसे एडी जो है यहाँ पे माध्यिका थी बीसी की, तो माध्यिका जिस क्यूब, जिस रेखाखंड, जिस भुजा पे गिरती है उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी डी में, तो बी ई भी तो आपके पास में माध्यिका ही हो जाएगी, क्योंकि ई जो है वो मध्य बिंदु है, तो ए ई और ई डी बराबर है। तो बी ई अपने पास में क्या है, एक ऐसा रेखाखंड है जो कि ए डी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कहोगे कि बी ई जो है वो माध्यिका हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी डी में क्षेत्रफल जो है अपने पास में ये वाला बी ई डी, क्षेत्रफल बी ई डी वो बराबर हो जाएगा आपके पास में किसके क्षेत्रफल के, ए ई बी के। ये अपने पास में आ गया, इसको मान लो अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर दो। ये बात हो गई, आई होप यहाँ तक का तो आइडिया लगा होगा। अब अपन आगे आते हैं, ठीक है, ऐसे अपन और चीज़ें करेंगे अभी, अपन और कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना है ना, इस तरफ है तो अपने पास में अब इसको जोड़ लो, तो यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में भी आप सेम बात बोलोगे, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इधर जगह है, त्रिभुज ए सी डी में आप क्या बोलोगे कि ये जो आपके पास में क्षेत्रफल है ये वाला डी ई सी, क्षेत्रफल डी ई सी बराबर अपने पास में किसके क्षेत्रफल, ए ई सी के, क्योंकि ई तो मध्य बिंदु है, ए ई सी के माध्यिका हो गई ना, आप बोल दो ना, चूंकि सी ई माध्यिका है, चूंकि सी ई माध्यिका है, ठीक है, सी ई अपने पास में माध्यिका हो चुकी है, ये हो गया। इसको मान लो अपने पास में क्या है, समीकरण नंबर तीन। अब नेक्स्ट आप जरा यहाँ पे देखना, हमारे पास में एक और त्रिभुज है अभी, ठीक है, कौन सा, ये वाला बी, थोड़ा सा मोटा करते हैं, बी ई सी, ये वाला त्रिभुज है आपके पास में। तो इस त्रिभुज में आप क्या देखोगे, एक सेकंड मुझे पहले मिटाने दो पुराना वाला, हाँ, इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हो अपने पास में कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि ई डी जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, माध्यिका हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप फिर कह दोगे कि त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में क्षेत्रफल जो है अपने पास में बी ई डी का, बी
ई डी का वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास में क्षेत्रफल, ई डी सी के, ई डी सी के। कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में, चूंकि ई डी जो है माध्यिका है, चूंकि ई डी माध्यिका है, यह पूरा लिख लेना यहाँ पे, ई डी अपने पास में माध्यिका हो गया। इसको मान लो अपने पास में क्या समीकरण नंबर 4। ये सारी बातें हो गई, अब जरा देखना, अब हमें तो क्या सिद्ध करना है ये। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि क्षेत्रफल अपने पास में ये जो ए बी सी है, पूरा का पूरा जो त्रिभुज है ए बी सी, वो कैसे बटा हुआ है, ए बी सी, उस ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हो कि अपने पास में ये वाला क्षेत्रफल ए ई बी, क्षेत्रफल ए ई बी प्लस क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, बी ई डी, बी ई डी प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, डी ई सी, डी ई सी प्लस क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, ए ई सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए ई सी, ये बातें हो चुकी है। अब यहाँ पे देखना कि ए ई बी जो है अपने पास में वो क्षेत्रफल किसके बराबर है, ए ई जो है अपने पास में बी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर है समीकरण 2 से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए ई बी की जगह मैं लिख लूंगा क्षेत्रफल बी ई डी प्लस ये जो क्षेत्रफल बी ई डी है इसको मैं बी ई डी ही रहने दूंगा। फिर नेक्स्ट देखना, ये जो क्षेत्रफल डी ई सी है तो डी ई सी कहो ई डी सी कहो एक ही बात है, ये ई डी सी किसके बराबर है, बी ई डी के। तो आप यहाँ पे फिर कहोगे क्षेत्रफल बी ई डी के प्लस क्षेत्रफल ए ई सी। अब देखो ए ई सी जो है वो किसके बराबर है, डी ई सी के, और डी ई सी जो है वो अपने पास में क्या है, ई डी सी कह लो, है ना। तो डी ई सी किसके बराबर है, बी ई डी के। तो यहाँ पे आप फिर कहोगे क्षेत्रफल बी ई डी के, ये अपने पास में बात हो गई। और इस तरफ आपके पास में क्या चल रहा था, इस तरफ अपने पास में चल रहा था क्षेत्रफल ए बी सी। अब जरा देखना एक स्टेप का और क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ए बी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 2 3 4 गुणा क्षेत्रफल बी ई डी। इसको ऐसे करके लिख लो, तो आप क्या बोलोगे 4 गुणा क्षेत्रफल बी ई डी बराबर है अपने पास में किसके, क्षेत्रफल ए बी सी के। इधर 4 है उधर जाएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर गुणा से उधर भाग में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बी ई डी बराबर होगा 1/4 क्षेत्रफल ए बी सी। ये लो भैया आ गया क्या, इस तरह से अपन यहाँ पे जो है करने वाले हैं। तो इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा प्रश्न है ये भी अपने पास में। वैसे वन शॉट में सारे ही प्रश्न अपने पास में अच्छे लिए हैं, पर ये और भी अच्छा है। देखो क्या लिखा है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो मैंने क्या करा है, एक आपके पास में है ना, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, डी ई और एफ जो है ए बी बी सी और सी ए के क्या हो जाएंगे आपके पास में, मध्य बिंदु है। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, दिया है, मैं भी लिख दिया, त्रिभुज ए बी सी डी एफ मध्य बिंदु है। ये सारी बातें अपने पास में हो गई। सिद्ध क्या करना है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो आपको दिख रहा है ना बी डी ई एफ, ये आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। और दूसरा आपके पास में दिया हुआ है, तीसरा अपने पास में दिया हुआ, अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने यहाँ पे सिद्ध करना है मैं लिखा नहीं, क्योंकि जगह थोड़ी लिमिटेड थी इसलिए मैंने खाली छोड़ा है, अब आप लोग तो लिखना रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन कैसे करें यहाँ पे अपने पास में समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो है मध्य बिंदु प्रमेय को पढ़ा था। मध्य बिंदु प्रमेय अपने पास में क्या था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, त्रिभुज ए बी सी में एफ ई समांतर होगा अपने पास में किसके, बी सी के, तथा एफ ई जो है वो अपने पास में किसके बराबर होगा, बी सी के आधे के, ठीक है। और इसका कारण क्या हो जाएगा आपके पास में, मध्य बिंदु प्रमेय, ये बात आपको यहाँ पे कहनी रहेगी, ये अपन ने कह दिया। अब जरा बच्चों एक चीज़ और देखना अपने पास में कि डी जो है अपने पास में क्या है, मध्य बिंदु है बी सी का, तो डी मध्य बिंदु है तो बी डी कहो डी सी कहो एक ही बात है। तो बी सी ये है टोटल, तो बी सी का आधा मैं बी डी कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल।
तो आप यहाँ पे क्या हो गए, एफ ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास में, बी डी के, और इधर एफ ई जो है वो समांतर था बी सी के। ज़रा गौर से देखना, एफ ई जो है बी सी के समांतर है। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एफ ई जो है बी सी के समांतर है, तो बी सी कहो या बी डी कहो एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, अतः है एफ ई जो है वो बी सी के समांतर है, तो बी सी कहो या बी डी कहो एक ही बात है। तो एफ ई जो है वो बी डी के समांतर हो जाएगा, तथा एफ ई जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा। इस बात से अग्री कर रहे हैं। अब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास में किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो जाए, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे, वो चतुर्भुज अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो दिख रहा है ना बी डी ई एफ, इसका सम्मुख भुजाओं का एफ ई और बी डी का बराबर भी है और समांतर भी है, अतः है क्या कहोगे, एफ ई डी बी, या फिर आप ऐसे कह लो बी डी ई एफ, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है ना, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये अपने पास में यहाँ पे अपने बात कह दी। अब इसका कारण आपको लिखना रहेगा, कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज में किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। मैं कह के बता चुका हूँ, आप लिखिएगा। ये तो हो गया अपने पास में पहला पार्ट, ठीक है। ये अपन ने पहला पार्ट जो है उसको सिद्ध कर दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास में क्या है उसको देखते हैं। आगे अपने पास में ऐसा है कि क्षेत्रफल डी ई एफ जो है हमारे पास में वो ए बी सी का एक चौथाई होगा, वो अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसा कुछ अपन ने अभी पिछले वाले में भी किया था, लेकिन पिछले वाले में अपने पास में सिचुएशन अलग थी। यहाँ पे डी मध्य बिंदु दे रखा था, लेकिन यहाँ पे अपने पास में डी भी है, ई भी है, एफ भी है। मैं एक बार आपको फिगर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे, है ना, क्योंकि ये वाला फिगर सेकेंड वाले के लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक और डायग्राम बना दिया है अपने पास में। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है ए बी सी का एक चौथाई है, तो डी ई एफ अपने पास में कहाँ है, ये रहा डी ई एफ, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना ये इस ए बी सी का एक चौथाई है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन कैसे सिद्ध करें, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पता तो लग गया क्या सिद्ध करना है, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ देखना, जैसे अपन ने ये सिद्ध किया ना कि बी डी ई एफ जो है अपने पास में समांतर चतुर्भुज है, इसी तरह है ना, ये इसी के आगे कंटिन्यू हो रहा है अपने पास में, ये सेकंड से लिखा है, बाकी अपन लिखेंगे तो इसके नीचे ही ना। इसी तरह जैसे हमने ऊपर सिद्ध किया कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, उसी तरह हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, देखना ज़रा, कि ई एफ जो है आपके पास में वो समांतर होगा सी डी के, और ई एफ जो है वो बी सी का आधा था, तो बी सी का आधा सी डी कह लो। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे अपने पास में, कि ये जो आपको दिख रहा है डी सी ई एफ, ये भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, डी सी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया अपने पास में पहली बात, ठीक है। अब दोबारा देखना, अपने पास में एक और चीज़ है, ये मान लो ए है, मान लो क्या है ही ए बी सी है, ये आपके पास में क्या हो गया डी हो गया, ये आपके पास में ई हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया एफ हो गया। अब ज़रा यहाँ पे देखना कि अगर मैं इसको जोड़ूँ ई और डी को, तो ई अपने पास में मध्य बिंदु, डी अपने पास में मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु प्रमेय से याद करो ज़रा क्या कह सकते हो, मध्य बिंदु प्रमेय से आप ये कहोगे कि ई डी जो है वो अपने पास में किसके समांतर हो जाएगा, इस ए बी के समांतर हो जाएगा, और ED जो है इस AB का आधा हो जाएगा, है ना, AB का आधा आप इसको ले सकते हो क्या AF को, तो ये जो ED है ये इस AF के समांतर हो चुका है और ये इसके बराबर भी हो चुका है, अतः है अपने पास में ये भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो AEDF भी एक समांतर चतुर्भुज है, AEDF भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक लास्ट चीज और देखना, अपने पास में एक और समांतर चतुर्भुज आपको देखने को मिलेगा, कौन सा वाला, ये रहा, ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, ये अपने पास में सी है, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ई, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में एफ, ठीक है। अब वो कौन सा है, यहाँ पे देखना,
इस बार आप मध्य बिंदु जो है इनको देखो, एफ और डी को, है ना, और इनको जोड़ दो। तो एफ डी जो है अपने पास में क्या है, एक रेखा से दूसरे, एक मध्य बिंदु से दूसरे रेखा, दूसरे भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जो है तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। तो एफ डी जो है आपके पास में समांतर होगा इस ए सी के, तथा ई जो है मध्य बिंदु है, तो ऐसे में एफ डी जो है इस ए ई के बराबर भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में ए ई डी एफ जो है वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपने आप से बात हो गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, चार समांतर चतुर्भुज जो है अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है, चार समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुए हैं। अब उसको कैसे डील करना है ना, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। अब एक एक में देखना, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो सबसे पहला वाला समांतर चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम एक जानते हैं कि विकर्ण जो है उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देता है, ठीक है। अब बी डी ई एफ में, बी डी ई एफ में हम क्या बोलेंगे कि विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, यानी कि आपके पास में आ जाएगा एफ बी डी, क्षेत्रफल एफ बी डी जो है वो बराबर होगा अपने पास में किसके, क्षेत्रफल डी ई एफ के, डी ई एफ के, ये अपने पास में आ चुका है, ये मान लो समीकरण नंबर एक है। ब्रैकेट में कारण लिख देंगे कि विकर्ण जो है दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब नेक्स्ट देखना, अपने पास में एक और समांतर चतुर्भुज था, ये डी सी ई एफ, डी सी ई एफ में आप क्या कह सकते हो अपने पास में कि ये वाला जो समांतर, ये विकर्ण डी ई है, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो क्षेत्रफल डी सी ई, क्षेत्रफल डी सी ई बराबर है अपने पास में किसके, क्षेत्रफल डी एफ ई के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में डी एफ ई, ये हो गया समीकरण नंबर दो। इसी तरह एक और अपने पास में समांतर चतुर्भुज था, कौन सा वाला, ये वाला देखो, इसका नामकरण अपन ने किया था ए डी ई एफ, नहीं ए ई डी एफ, ए ई डी एफ में, ए ई डी एफ में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन एक विकर्ण बना लेते हैं ये वाला, तो आप क्या कहोगे कि क्षेत्रफल जो अपने पास में डी ई एफ, क्षेत्रफल डी ई एफ जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, क्षेत्रफल ए एफ ई के, ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर तीन। और आखिरी में अपने पास में एक और समांतर चतुर्भुज था, मैंने क्या एक ही को दो बार सिद्ध कर दिया लगता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये अपने पास में ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये दो मैंने लिख दी, दो नहीं होंगे, ये एक ही चीज़ है अपने पास में ए डी एफ, है ना। तो ए डी एफ में अपने पास में आ गया डी ई एफ बराबर ए एफ, ये समीकरण नंबर अपन ने तीन मान लिया, ठीक है। अब इनका प्रयोग करके अपन को जो है सिद्ध करना रहेगा ये वाला हिस्सा, कैसे करेंगे ज़रा यहाँ पे देखो, अपने पास में दूसरा वाला, यहाँ देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्षेत्रफल ए बी सी जो है वो अपने पास में किसके बराबर है। क्षेत्रफल ए बी सी क्या था, ये लो अपने पास में फिगर आ जाएगा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये आपके पास में डी हो गया था, ये आपके पास में ई हो गया था, ये आपके पास में एफ हो गया था, और इन सबको अपन जोड़ देते हैं। तो क्षेत्रफल ए बी सी जो है चार हिस्सों में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सबसे पहले है ए एफ ई, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्षेत्रफल ए एफ ई प्लस दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा डी ई एफ, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्षेत्रफल डी ई एफ। तीसरा अपने पास में ये हो जाएगा बी एफ डी, क्षेत्रफल बी एफ डी। आगे देखते हैं, आगे है अपने पास में क्षेत्रफल ई डी सी, ई डी सी, ये अपने पास में आ चुका है। अब जरा यहाँ पे देखना, ए एफ ई वाला जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में किसके बराबर है, ए एफ ई जो है किसके बराबर है डी ई एफ के, समीकरण नंबर तीन से। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, क्षेत्रफल डी ई एफ प्लस अपने पास में यहाँ पे तो चल ही रहा था क्षेत्रफल डी ई एफ प्लस क्षेत्रफल बी एफ डी जो है वो किसके बराबर है, तो क्षेत्रफल बी एफ डी जो है अपने पास में वो बराबर है, हाँ ये रहा बी एफ डी, एफ बी डी कह लो बी एफ डी कह लो एक ही बात है, तो ये बी एफ डी जो है किसके बराबर है डी ई एफ के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्षेत्रफल डी ई एफ प्लस आखिर में अपने पास में क्षेत्रफल है ई डी सी, तो ई डी सी कह लो या फिर डी सी ई कह लो एक ही बात है, तो वो किसके बराबर है डी एफ ई के, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे,
क्षेत्रफल डी एफ ई के। अब इनको जोड़ लो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल ए बी सी ओवरऑल जो चल रहा है, क्षेत्रफल ए बी सी वो बराबर है किसके, चार गुणा क्षेत्रफल, चार गुणा क्षेत्रफल डी ई एफ के। अब चार इधर गुणा में इस तरफ आएगा तो अपने पास में भाग में हो जाएगा, तो एक बटा चार क्षेत्रफल ए बी सी वो बराबर है किसके, क्षेत्रफल डी ई एफ के। और यही हमें सिद्ध करना था कि डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है एक बटा एक चौथा ही है ए बी सी के क्षेत्रफल का। ये अपन ने यहाँ पे जो है इसको सिद्ध कर दिया है। तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, अब लास्ट अपने पास में बचता है तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि बी डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है वो ए बी सी का आधा है। ठीक है, इसको अपन कैसे करेंगे जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे वाले हिस्से के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो दूसरे वाले हिस्से में रिजल्ट निकाला है ना, इसी बात का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने निकाला था क्या, एरिया डी ई एफ बराबर है अपने पास में किसके, एक चौथाई क्षेत्रफल ए बी सी के। ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। दोनों तरफ आप क्या करिए, दो से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ दो से गुणा करने पर देखो अपने पास में क्या हो जाएगा, दो गुणा क्षेत्रफल डी ई एफ बराबर दो गुणा एक बटा चार क्षेत्रफल ए बी सी। दो से काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बटा दो। फिर आगे आ जाओ, आगे अपने पास में ऐसा है दो गुणा क्षेत्रफल डी ई एफ, तो दो गुणा क्षेत्रफल डी ई एफ का मतलब क्या होता था अपने पास में, मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल डी ई एफ प्लस क्षेत्रफल आपके पास में क्या हो जाएगा डी ई एफ, वो किसके बराबर है अपने पास में, ये कैंसिल हो गया कट गया, तो आ जाएगा क्षेत्रफल आपके पास में ए बी सी, ये अपने पास में आ चुका है। अब जरा यहाँ देखना कि क्षेत्रफल डी ई एफ जो है उसको तो आप ऐसा कैसा लिख लो, लेकिन क्षेत्रफल डी ई एफ को हमने किसी और के बराबर भी सिद्ध किया था, क्षेत्रफल डी ई एफ को हमने जो है क्षेत्रफल एफ बी डी के भी बराबर सिद्ध किया था यहाँ पे, तो इस बात का प्रयोग करो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल एफ बी डी, ये अपने पास में ब्रैकेट बंद, बराबर है किसके, एक बटा दो क्षेत्रफल ए बी सी के। अब जरा फिगर में देखना डी ई एफ और एफ बी डी कौन है, डी ई एफ देखो डी ई एफ यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये डी ई एफ है, और एफ बी डी आपके पास में कौन सा है, ये वाला एफ बी डी। इन दोनों क्षेत्रफल को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ जो है आपके पास में आ चुका है, एक बटा दो क्षेत्रफल ए बी सी, ये लो। तो इससे जो है आपके पास में यहाँ पे जो है आंसर पूरा आ गया है। इस तरह से अपन जो है इसका तीसरा वाला हिस्सा भी यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो एक बार कंप्लीट लुक देख लीजिए, फिर अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अपन। आगे अपने पास में क्या है, प्रश्न नंबर 6 है, थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है, प्रश्नावली 9.3 में वैसे भी, आगे देखते हैं। आकृति में अपने पास में चतुर्भुज ए बी सी डी के है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर, विकर्ण ए सी है आपके पास में और बिंदु बिंदु ओ पर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया अपने पास में बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी है, ये आपके पास में ओ बी और ये आपके पास में ओ डी बराबर है दिया है, मैं लिख देंगे। यदि ए बी बराबर सी डी है, यहाँ पे ये जो ए बी है और ये जो आपके पास में सी डी है, ये दोनों भी आपस में क्या है, अपने पास में बराबर है, तो हमें दर्शाना रहेगा कि क्षेत्रफल डी ओ सी और क्षेत्रफल ए ओ बी जो है वो बराबर है। क्षेत्रफल कौन सा, डी ओ सी, तो देखो डी ओ सी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है डी ओ सी और क्षेत्रफल ए ओ बी, ये वाले हैं। इन दोनों क्षेत्रफल को जो है हमें क्या करना रहेगा, आपस में बराबर करना रहेगा। कैसे करें जरा यहाँ देखो, अब हमने जो चीज़ पढ़ी है ना वो क्या है, हमने पढ़ा है एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर समांतर चतुर्भुज हो त्रिभुज हो तो हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने पास में कुछ भी समांतर तो दिया हुआ ही नहीं है, है ना, तो हम जो सोच रहे हैं वैसा डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो हमारी सहायता करे। तो मेरा प्लान ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लंब डालते हैं बिंदु डी से और बिंदु बी से, किस पे डालेंगे, इस ए सी के ऊपर जो है हम रेखाखंड, इस रेखाखंड ए सी के ऊपर जो है लंब डालेंगे। ठीक, अब जैसे ही हमने यहाँ पे लंब डाला तो क्या क्या सिचुएशन हो रही है ज़रा देखो। पहली बात तो ये कि ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, ये मान लीजिए कोण दो है और ये मान लीजिए कोण तीन है,
ये आपके पास में कोण चार हो जाएगा 90 डिग्री वाला, और ये वाला कोण जो है 90 डिग्री वाला कोण पांच हो जाएगा। अब जैसे हमने ये किया तो यहाँ पे अपन कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है। क्या बातें कर सकते हैं जरा यहाँ देखना, कुछ कुछ बातें अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ये अपने पास में क्या है, उपपत्ति। मैं अभी रचना का लैंग्वेज लिख दूंगा। उपपत्ति में आप बोलोगे त्रिभुज डी ओ, इनका कुछ नामकरण भी कर ही देते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या नाम करें, ए बी सी डी है तो ये आपके पास में हो जाएगा बिंदु ई, और ये वाला जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, बिंदु एफ। तो आप कहो त्रिभुज डी ओ ई में, डी ओ ई तथा त्रिभुज बी ओ एफ में, बी ओ एफ में हम क्या क्या कह सकते हैं। हम सबसे पहली बात तो ये बोलेंगे कि कोण दो और तीन बराबर है अपने पास में, कोण दो और कोण तीन बराबर है। कारण क्या हो जाएगा आपके पास में, शीर्षोभिमुख कोण है। कारण जरूर लिखें यहाँ पे, शीर्षोभिमुख कोण। फिर नेक्स्ट, कोण आपके पास में चार और पाँच जो है वो बराबर है, तो कोण चार बराबर है आपके पास में कोण पाँच के, इसका कारण क्या हो जाएगा, दोनों आपके पास में 90 डिग्री है। तीसरा, आपके पास में ये जो ओ डी है और ये जो ओ बी है ये बराबर है, ओ डी बराबर है अपने पास में किसके, ओ बी के, इसका कारण क्या आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है, ये अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन दोनों त्रिभुज में हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आरएचएस सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करेंगे। यानी कि आरएचएस मतलब क्या हो जाता है अपने पास में, 90 डिग्री नहीं, आरएचएस नहीं, हम यहाँ पे कोण कोण भुजा वाला समरूपता कसौटी जो है उसका प्रयोग करेंगे। दो कोण बराबर हैं और यहाँ पे अपने पास में जो है भुजा बराबर है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज डी ओ ई जो है अपने पास में वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज बी ओ एफ के, किससे, कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। अब जैसे हमने ये चीज कही तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएगा, एक बात तो अपन ये कह सकते हैं। दूसरी बात अपन यहाँ पे और क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो भुजा है अपने पास में डी ई, ये जो है डी ई और ये जो है अपने पास में बी एफ, ये भी बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कहोगे डी ई बराबर है बी एफ के सीपीसीटी, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। और क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पे, क्षेत्रफल डी ओ ई बराबर है किसके, क्षेत्रफल बी ओ एफ के, इसको अपन समीकरण नंबर दो कह देते हैं। और इसका कारण क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज जो है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे आते हैं, और भी बातें कहनी है अपन को, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमें तो क्या करना था, इस बड़े वाले त्रिभुज जो है ना डी ओ सी पे और ए ओ बी पे, इनके ऊपर जाना था। हमने ये जो दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल तो बराबर कर दिया है, अगर इनका और कर देना, इनका किनका, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ जरा किन की बात कर रहा हूँ। अगर इन त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर कर दिया जाए और फिर दोनों को जोड़ दिया जाए तो अपने पास में ओवरऑल त्रिभुज जो है वो आ जाएगा। कैसे आएगा जरा यहाँ पे देखो, है ना, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में तथा त्रिभुज डी ई सी तथा त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में हम क्या क्या बातें कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो सी डी है और ये जो ए बी है ये अपने पास में बराबर है, ठीक है, ये जो सी डी है और ये जो अपने पास में ए बी है ये बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो डी ई है और ये जो बी एफ है ये अपने पास में बराबर हो जाएगा, इसका कारण क्या है आपके पास में, इसका कारण है अपने पास में ये, अभी अपन ने सिद्ध किया था समीकरण नंबर एक से, तो यहाँ पे आप लिख दोगे समीकरण एक से, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है। फिर नेक्स्ट, ये कोण चार के बगल वाला जो कोण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोण है इसका अपन क्या नामकरण कर लेते हैं, मान लीजिए कोण छः है और यहाँ पे ये वाला कोण जो है 90 डिग्री के पास वाला, यानी ये कोण सात, तो कोण छः बराबर है किसके अपने पास में, कोण सात के, दोनों क्या है आपके पास में 90 डिग्री है। अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपने पास में कि
ई और एफ, हाँ, तो आप यहाँ पे कहोगे कि त्रिभुज डी ई सी जो है अपने पास में वो सर्वांग सम है किसके। अब देखो नामकरण करते हुए ध्यान रखना है, कोण 6 और 7, तो 6 किस पे है, ई पे, और 7 किस पे अपने पास पे, एफ पे, तो ई बीच में है तो एफ आएगा बीच में। सी डी और ए बी बराबर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ए बी। चेक कर लो, डी ई बराबर बी सी आना चाहिए, डी ई बराबर बी एफ आना चाहिए, नहीं, हमें बी जो है इसके पहले लगाना पड़ेगा, बी एफ ए। चेक करके देखो, डी ई बराबर बी एफ, डी ई बराबर बी एफ, सी डी बराबर ए बी, सही आ रहा है। तो किससे हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे ये, अब देखना, हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लिया है, हमने यहाँ पे कर्ण लिया है, और हमने यहाँ पे जो है एक भुजा ली है, तो उससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एफ ए के आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से। अतः है आप यहाँ पे क्या बोलोगे, जैसे ये हो गया तो क्षेत्रफल जो है अपने पास में डी ई सी का वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, क्षेत्रफल बी एफ ए के। इसको मान लीजिए अपने पास में क्या, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 जो है इनको आप क्या करिए, आपस में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आप करोगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ लीजिए। उल्टे हाथ में उल्टे हाथ को जोड़ो, सीधे हाथ में सीधे हाथ को जोड़ना, तो उल्टे हाथ में इधर क्या लिखा है, डी ओ ई, क्षेत्रफल डी ओ ई प्लस क्षेत्रफल इधर क्या है अपने पास में डी ई सी बराबर, सीधे हाथ में आपके पास में क्या है, मैं इस पर निशान लगा देता हूँ ताकि आप जो है थोड़ा अलग से देख पाए, ये दोनों सीधे हाथ में इधर लिखा है बी ओ एफ, क्षेत्रफल बी ओ एफ प्लस इधर क्या लिखा है अपने पास में बी एफ ए, बी एफ ए। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो डी ओ ई, जरा गौर से देखना, डी ओ ई यानी कि छोटा वाला त्रिभुज प्लस डी ई सी, डी ई सी यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज, तो ओवरऑल मिलके आपके पास में क्या हो जाएगा, ये डी ओ सी, क्षेत्रफल डी ओ सी बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, बी ओ एफ, बी ओ एफ छोटा वाला प्लस बी एफ ए बड़ा वाला, बी बी एफ ए, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपके पास में ये वाला त्रिभुज हो जाएगा ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ बी, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो पहला वाला हिस्सा जो है अपन यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, अब आगे देखना, दूसरे में हमें क्या सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल डी सी बी, ठीक है, डी सी बी कौन सा आपके पास में, देखो ये वाला डी सी बी यानी कि ये क्षेत्रफल, और ए सी बी, ए सी बी ये दोनों क्षेत्रफल जो है अपने पास में आपस में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। कैसे करें, अभी अभी हमने जो है पीछे वाले हिस्से में ये सिद्ध किया है, चूंकि अपने पास में क्षेत्रफल जो है डी ओ सी का और क्षेत्रफल जो है आपके पास में ए ओ बी का वो आपस में क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों क्षेत्रफल में, मतलब डी ओ सी मतलब कौन सा, ये वाला, और ए ओ बी का मतलब क्या है आपके पास में, ये वाला, इन दोनों क्षेत्रफल में अगर मैं ये बीच वाला क्षेत्रफल जोड़ दूं तो अपना काम बन जाएगा। बीच वाला क्षेत्रफल कौन सा, देखो ये वाला, ठीक है, ये बीच वाला क्षेत्रफल जोड़ दें तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, दोनों तरफ क्षेत्रफल सी ओ बी जोड़ने पर जोड़ें, ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, क्षेत्रफल डी ओ सी प्लस क्षेत्रफल सी ओ डी बराबर क्षेत्रफल ए ओ बी प्लस क्षेत्रफल ठीक है प्लस क्षेत्रफल सी ओ डी अपने पास में आ जाएगा। अब डी ओ सी में सी ओ डी जोड़ दो, डी ओ सी में सी ओ डी नहीं, एक्चुअली इसका नाम अपने पास में सी ओ बी है, ठीक है, तो यहाँ पे बी करेंगे अपन, है ना, सी ओ बी ये हो जाएगा सी ओ बी, सी ओ बी और यहाँ आ जाएगा सी ओ बी, सी ओ बी, तो डी ओ सी में सी ओ बी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ओवरऑल डी सी बी, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल डी सी बी बराबर ए ओ बी में सी ओ बी जोड़ो, ए ओ बी में सी ओ बी जोड़ो तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये वाला ए सी बी, तो क्षेत्रफल ए
सी बी आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पास में ये वाला जो है प्रूफ हो चुका है। तो दूसरा वाला भी अपन यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें इसको तीसरा हिस्सा जो है उसको सिद्ध करना रहेगा। तो तीसरे हिस्से के लिए अपने पास में ऐसा है, हमने जो प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो स्थित त्रिभुज होते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। फिर इसका विलोम भी होता है अपने पास में कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले जो त्रिभुज होते हैं वो अपने पास में वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। तो ज़रा गौर से देखना, अभी अभी अपन ने यहाँ पे क्या सिद्ध किया है, अभी अभी अपन ने यहाँ पे ये सिद्ध किया है कि ये वाला जो त्रिभुज है आपके पास में डी सी बी, डी सी बी इसका क्षेत्रफल, और इसके पास में अपने पास में एक और त्रिभुज है ये वाला ए सी पी। इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हो, इन दोनों का क्षेत्रफल अभी अभी अपन ने बराबर किया है, दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं, अतः है दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो है स्थित अपने पास में आ जाएंगे। इस तरह से जो आप यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि तीसरा हिस्सा क्षेत्रफल डी सी बी बराबर है क्षेत्रफल ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी बी तथा ए सी बी एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर है, तो त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज ए सी बी एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। हो गया, ये अपने पास में हो गया। अतः है हम क्या कहेंगे कि डी ए जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, समांतर है सी बी के। ये अपन को प्रूफ करना था, अपन ने यहाँ पे प्रूफ ये जो है कर दिया है। ठीक है, ये अपने पास में हो चुका। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है, ये समांतर प्रूफ करो या फिर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी अपन को बताना था, है ना। तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अपने पास में क्या रहेगा कि दो समूह भुजाओं का युग्म बराबर होने चाहिए या दो समूह भुजाओं के युग्म समांतर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हमने ए डी को और बी सी जो है इसको तो समांतर सिद्ध कर दिया, अगर हम ये डी सी और ये ए बी जो है ना इनको भी अगर समांतर सिद्ध कर देना तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इनको समांतर सिद्ध करने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, आप इस बात का प्रयोग करोगे कि ये जो त्रिभुज डी ई सी था और ये जो त्रिभुज ए एफ बी था ना, ये दोनों अपने पास में क्या थे, सर्वांग सम थे। तो सर्वांग सम है तो यहाँ पे आपके पास में जो अपने पास में कोण है ये वाला, इसमें सी और इसमें ए पर, ठीक है, सी और ए पर, तो ये दोनों कोण अपने पास में क्या हो जाएंगे, एकांतर अंत्य कोण हो जाएंगे। उससे हम कह देंगे कि डी सी जो है ए बी के समांतर है, ए डी और बी सी हम समांतर कह ही चुके हैं, तो उससे अपने पास में जो है यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, बाकी अपने पास में क्वेश्चन यहाँ पे पूरा अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को, समांतर चतुर्भुज अपने पास में ए बी सी डी कहाँ पे है जरा फिगर में देख लो, ये रहा ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, इसकी एक भुजा ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ये रहा पी आपके पास में जो कि बढ़ के यहाँ पे आ चुका है। ए से होकर सी पी के समांतर खींची गई रेखा, ए से होकर सी पी के समांतर, तो सी पी अपने पास में ये रहा, सी पी के समांतर ए से होकर खींची गई रेखा बढ़ाई गई सी बी को, बढ़ाई गई सी बी को क्यू पर मिलती है, क्यू पर मिलती है, तो ये अपने पास में ए क्यू की बात कर रहा है। और फिर समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर को पूरा किया गया है, और फिर अपने पास में समांतर चतुर्भुज जो है पी बी क्यू आर इसको पूरा किया गया है, ये रहा आपके पास में पी बी क्यू आर, ये दो समांतर चतुर्भुज आपको दिए हुए हैं। तो दर्शाइए कि ए क्षेत्रफल जो है ए बी सी डी और पी बी क्यू आर का बराबर है, दोनों समांतर चतुर्भुज जो है उनका क्षेत्रफल बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, कैसे सिद्ध करेंगे, हमारे पास में जानकारी ऐसी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, या समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन ऐसा कहते हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में तो नहीं है ना, इनके आधार सेम है, तो वो तो अपन कह नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी।
रचना अपन कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ए सी को जोड़ सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास में पी क्यू है इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास में पी क्यू है ना इसको अपन जोड़ सकते हैं। अब जैसे मैंने ये जोड़ा तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आपको जो है दो त्रिभुज मिलेंगे। रचना में आप कह सकते हो कि ए को सी से तथा क्यू को पी से जोड़ें, क्यू को पी से जोड़े, ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारे पास में जो है दो त्रिभुज दिखेंगे, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज देखो आपके पास में ये वाला हो जाएगा ए सी ए क्यू, और दूसरा जो है त्रिभुज आपके पास में ये वाला हो जाएगा जो कि है पी क्यू ए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हो, एक ही आधार ए क्यू पे स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं ए क्यू और सी पी के बीच में स्थित है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या होगे कि क्षेत्रफल ए क्यू सी बराबर है क्षेत्रफल ए क्यू पी के। इसका रीजन अपने पास में क्या हो जाएगा, वही लिख देना, एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये अपने पास में हो गया। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अपने पास में ये तो हो गया, अब मेरा प्लान क्या है, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना ये दोनों में से घटा लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से घटा लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए क्यू सी माइनस क्षेत्रफल ए बी क्यू, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल ए क्यू पी माइनस क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस कर लो दोनों तरफ से ए बी क्यू। अब जैसे ये करोगे तो होगा क्या आपके पास में, जरा ये देखना, तो ए क्यू सी में से अगर ये घटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास में, ए बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में क्या, क्षेत्रफल ए बी सी बराबर ए क्यू पी में से ए बी क्यू हटा दो, ए क्यू पी में से ए क्यू बी हटा दो, तो ये बच जाएगा आपके पास में पी बी क्यू, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्षेत्रफल पी बी क्यू, ये अपने पास में आ गया। अब इस समीकरण को दोनों तरफ दो से गुणा करो, एक बार देखना होता क्या है, दो गुणा क्षेत्रफल ए बी सी बराबर दो गुणा क्षेत्रफल पी बी क्यू। हम एक बात से वाकिफ हैं कि अगर अपने पास में समांतर चतुर्भुज जो होता है ना उसमें विकर्ण उसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अगर आप यहाँ पे देखो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो विकर्ण क्या है आपके पास में ए सी, वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी का दुगना, तो ये ए बी सी क्षेत्रफल और ये जो आपके पास में ए सी डी क्षेत्रफल ये बराबर है, तो ए बी सी का दुगना जो है वो किसके बराबर होगा, इस ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल ए बी सी डी। इधर देखो अपने पास में क्या है, पी बी क्यू, पी बी क्यू है, इसका दुगना करोगे, मैं शुरू से कहता हूँ, ये देखो पी बी क्यू आर, यहाँ पे अपने पास में क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कौन है, पी क्यू है, तो वो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ऐसे में ये जो त्रिभुज पी बी क्यू है इसका क्षेत्रफल का दुगना करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, इस पी बी क्यू आर के बराबर आ जाएगा, तो क्षेत्रफल पी बी क्यू आर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें जो है यहाँ पे सिद्ध करना था। इसका कारण जरूर यहाँ पे लिख देना जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे अपने पास में जो है प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, इतवारी जी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से समझिएगा। क्या लिखा है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था, ठीक है, चतुर्भुज के आकार का जो है अपने पास में क्या है, एक भूखंड है, तो मान लीजिए कुछ इस तरह का भूखंड है उनके पास में, इसका नामकरण मान लेते हैं अपन ए बी और सी और ये डी हो जाएगा, ठीक है, और हम लिख भी लेंगे, माना इतवारी के पास भूखंड ए बी सी डी है। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को एक प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न, मतलब उसी भूखंड के पास में और जमीन चाहिए।
ऐसा भाग दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए, एंड द एंड एट द एंड जो उसकी जमीन है वो कैसी हो जानी चाहिए, त्रिभुज के आकार की हो जानी चाहिए, अभी कैसी है, चतुर्भुजाकार है। और चूंकि बताया नहीं है क्वेश्चन में कि कैसा चतुर्भुज है, तो मैंने एक रैंडमली चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को अपन कैसे करेंगे, जरा यहाँ देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। अपने पास में ये जमीन तो है ही, आप यहाँ पे क्या करो, इस चतुर्भुज का विकर्ण अपने पास में एसी है, तो इसको जोड़ सकते हो क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। तो हमने क्या करा, इस विकर्ण एसी को जोड़ लिया, ठीक है। अब हमने क्या क्या सीखा है अभी तक, हमने सीखा है कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो तो अपन कुछ कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ समांतर है ही नहीं, समांतर है ही नहीं, तो हमने जो सीखा है उसको अप्लाई कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो है कुछ रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। रचना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो हमारी हेल्प करे। तो मेरा प्लान ये है कि जैसे हमने यहाँ पे एसी विकर्ण बनाया है, क्या हम इस एसी के समांतर एक रेखाखंड खींच लें, इस बिंदु डी से होता हुआ हम क्या करते हैं, इस एसी के समांतर एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। और वो मान लेते हैं अपन कि बी ए को अपन ने कहाँ तक बढ़ाया है, ई तक बढ़ाया है, और वो वहाँ पे आके उससे मिल रहा है, ठीक है, ये अपन ने आगे बढ़ा लिया। तो ये हम इनको रचना लिखनी पड़ेगी, है ना, अभी अपन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने पास में और चीज़ देखो, और क्या है, हमने खुद बनाया है कि ये जो डी ई है, ये जो ए सी है, ये समांतर है। इस तरह से रचना करी है कि विकर्ण ए सी के समांतर आपके पास में क्या आ जाए, डी ई आ जाए, ये अपन ने रचना कर ली। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना कि क्या मैं ई को और सी को जोड़ सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपने पास में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जोड़ लेते अपन ये ई को सी से, मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, ठीक है, थोड़ा ढंग से जोड़ते हैं, ये मैंने ई को सी से जोड़ लिया, और यहाँ पे जो है ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये बिंदु ओ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना, आपको जो है यहाँ पे दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, और वो त्रिभुज किसके बीच में दिखेंगे, ये जो दो समांतर रेखाएं हैं ना, इनके बीच में दिखने वाले हैं। अब वो त्रिभुज कौन कौन से हैं, मैं एक डायग्राम में आपको अलग से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये ई ए डी और ये अपने पास में सी, ये अपने पास में सी हो गया, और ये दोनों जो है आपके पास में क्या है, समांतर है, ठीक बात है। अब जरा यहाँ पे देखना, आपको कुछ जो है दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज ये हो जाएगा ई ए सी, एक तो त्रिभुज ये हो चुका है, और नेक्स्ट इसके बगल में अपन को एक और त्रिभुज देखने को मिलेगा, वो त्रिभुज कौन सा आपके पास में, ये वाला देखना जरा, डी ए सी। अब इन दोनों त्रिभुज के बारे में खास बात यह है कि दोनों एक ही आधार ए सी के ऊपर स्थित हैं, और दोनों एक ही समांतर रेखाएं ए सी तथा डी ई के बीच में स्थित हैं, तो इन दोनों के क्षेत्रफल जो है अपने पास में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, त्रिभुज क्षेत्रफल जो है अपने पास में, त्रिभुज ई ए सी का, वो बराबर है किसके क्षेत्रफल के अपने पास में, डी ए सी के, डी ए सी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, चूंकि अपने पास में ई डी जो है वो समांतर है किसके, ए सी के, तथा एक ही आधार डी ए सी है, ठीक है, एक ही आधार ए सी है अपने पास में, ये आपके पास में लिख दोगे, ये बराबर हो गया। अब इन दोनों जो क्षेत्रफल बराबर हुए हैं उनमें आप देखना जरा यहाँ पे कि ये वाला क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूँ दोनों में से तो आपके पास में क्या बचेगा, ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल है ये मान लीजिए अपने पास में बीच का मध्य बिंदु O है, बीच वाला बिंदु O है, तो ए ओ सी क्षेत्रफल जो है दोनों में से घटा लो, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि क्षेत्रफल ई ए सी माइनस क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, ए ओ सी बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ देखना, बराबर क्षेत्रफल डी ए सी माइनस क्षेत्रफल अपन ने ये जो घटाया है ए ओ सी, है ना, ए ओ सी। अब जैसे हमने ई ए सी में से इस ए ओ सी को घटाया, ई ए सी में से ए ओ सी को घटाया, तो ये बचेगा ए ई ओ, क्षेत्रफल
ए ई ओ बराबर आ जाएगा अपने पास में किसकी, डी ए सी में से। देखो डी ए सी में से आप ए ए ओ सी को हटाओ तो ये वाला बचेगा आपके पास में डी ओ सी, तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे डी ओ सी। यानी कि अपने पास में ये जो दो क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो रहे हैं ना, ये दोनों अपन ने क्या सिद्ध कर दिए हैं, बराबर सिद्ध कर दिए हैं। ये जो डॉट डॉट वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये क्षेत्रफल अपन ने बराबर कर दिए, ठीक है। अब मेन फिगर में आके देखो, मेन फिगर में क्या है ए ई ओ, देखो ये रहा ए ई ओ, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल, और दूसरा कौन सा है डी ओ सी, डी ओ सी का मतलब अपन इस वाले क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्षेत्रफल जो अपन ने बराबर सिद्ध कर दिए, यहां तक की तो बात क्लियर है। अब जरा प्लान देखना, प्लान ऐसा है कि ओरिजिनल जमीन क्या थी अपने पास में ए बी सी डी, उस ओरिजिनल जमीन में से अगर इतवारी जी अपनी जमीन ये डी ओ सी जो है दे देते हैं, है ना, ग्राम पंचायत को दे दी, और उसके बदले ए ई ओ जो है वो ले सकते हैं। अब जैसे ही ये करेंगे तो जितनी जमीन गई उतनी वापस आ रही है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जो अपने पास में क्या है बराबर है, तो जितनी जमीन उधर गई उतनी जमीन वापस आ रही है, पहली बात तो पूरी हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मेरी जमीन एट द एंड जो है कैसी हो जानी चाहिए, त्रिभुज के आकार की हो जानी चाहिए। तो जरा देखना उनकी जमीन कैसी थी, है ना, ये तो अपन ने पढ़ा था। फिर हमने क्या बोला, ये वाला जो छोटा त्रिभुज है ये वाली जमीन भी जोड़ दो और ये जो ऊपर वाली जमीन है ये हटा दो। तो जरा देखो अब जमीन कैसी हो चुकी है, सी बी ई, ये सीधी है अपने पास में, तो एक त्रिभुज के आकार की आ रही है, नहीं आ रही जमीन, बिल्कुल आ रही है। तो इस तरह से जो है अपन इस प्रस्ताव को यहाँ पे रखेंगे और फिर इतवारी जी को जमीन भी मिल जाएगी बराबर और वो त्रिभुज के आकार की हो भी जाएगी। इस तरह से सारी बातें यहाँ पे रहने वाली है। तो बस इसी को भाषा के रूप में लिखना है, वो मैं लिख देता हूँ, बाकी अपने पास में यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसके साथ अपने पास में यहाँ पे जो है ये पूरा हो चुका है। तो एक बार आप लैंग्वेज पूरी देख लो, इस तरह से अपन को लिखना रहेगा, माना इतवारी के पास भूखंड ए बी सी डी है, ए सी के समांतर ये हमने रचना करी थी वो लिखा है, ए सी के समांतर रेखाखंड ई डी खींचे, ठीक है, जो बढ़ाई हुई ए बी को बिंदु ई पर मिले, ये अपने पास में हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो बराबर सिद्ध कर दिए थे। फिर अब इतवारी को अपनी ज़मीन का हिस्सा डी ओ सी देना चाहिए तथा बदले में ए ओ ई लेना चाहिए, इससे उसका भूखंड त्रिभुज के आकार का हो जाएगा। तो ये अपने पास में जो है प्रस्ताव रहेगा और इसके साथ ये प्रश्न जो अपने पास में पूरा हो चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स अपन ने ये वन शॉट जो है यहाँ पे पूरा कर लिया इस चैप्टर का। काफ़ी इस चैप्टर के जो प्रश्न है अपने पास में बड़े बड़े हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन जो यहाँ पे कवर नहीं किया गया है और आपको लेना है तो अपने पास में वन बाय वन लेक्चर्स बन रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी के लिए बाय बाय।